ऐसी बात होती है या ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार जी, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। पहले लेना चाहिए था ना, पहले लेते तो कुछ खेल और होता। नीतीश जी इंडिया गठबंधन के संस्थापक, उन्हीं के प्रयासों से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया है। पटना से लेकर दिल्ली तक के जेडीयू नेता कल नीतीश कुमार को सबसे योग्य बता रहे थे, विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनाए जाने का सपना देख रहे थे, लेकिन दिन बदला और सपना चूर चूर हो गया। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। सपना टूटने की बात इसलिए क्योंकि कल ये खबर आई कि आज यानी 3 जनवरी को विपक्षी गठबंधन के नेता ऑनलाइन मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन न मीटिंग हुई और न ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आया। सब लोगों से बात हुई है, डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। बात होना है कि कुछ मीटिंग वगैरह किया जाए और मीटिंग वीटिंग कब होगा, कैसे होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। अभी अगली बैठक की तारीख फिलहाल तय नहीं। हालांकि सबके बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अखिलेश यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे समेत कुछ और नेताओं ने भी नीतीश के नाम पर हामी भर दी है। हालांकि इनमें से किसी भी नेता का अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसीलिए माना जा सकता है कि नीतीश और जेडीयू के कार्यकर्ताओं का इंतजार और बढ़ गया है। वैसे भी नीतीश कुमार का इंतजार लंबा हो चुका है। पिछले 7 महीने से नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनने का सपना देख रहे हैं और साथ बैठने वाले गठबंधन के साथी उन्हें सपना दिखाए जा रहे हैं, जबकि दूर बैठी बीजेपी मजे ले रही है। देश ने देखा था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, बैठक से बाहर गए थे क्योंकि कोई संयोजक का नाम तय कर रहा था, कोई कपोल कल्पित प्रधानमंत्री का नाम तय कर रहा था। तो ये तय करने वाले लोगों की मनसा ठीक नहीं है माननीय नीतीश जी के प्रति। माननीय नीतीश जी को समझना होगा और जिन्हें बिहार की जनता ही ठुकरा रही है उनको देश कैसे स्वीकारेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की थी। पिछले साल मई महीने में नीतीश ने देश भर का दौरा किया और विपक्षी नेताओं से मिलकर गठबंधन बनाने की शुरुआत की, लेकिन नीतीश की इस पहल का अब तक कोई फल उन्हें नहीं मिला। उल्टे 19 दिसंबर की मीटिंग में ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। खड़गे जी को नाम हमने किया है कि हर लोग पूछता है एक फेस तो चाहिए, तुम्हारा फेस कौन है, तो इसी के लिए हम एक प्रपोजल दिया था कि खड़गे जी को होना चाहिए। खड़गे जी अगर फेस होगा तो ठीक है और हमारा कोई एतराज नहीं है और हमको सपोर्ट दिया है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस बैठक के बाद ही नाराज होकर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को पद से हटा दिया, क्योंकि उन्होंने नीतीश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का सपना दिखाया था। जेडीयू का हर छोटा बड़ा नेता आज भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रहा है, लेकिन गठबंधन के बाकी दल सुखभुगा नहीं रहे। और तो और, नीतीश के संयोजक बनाए जाने वाली मीटिंग की खबर जब कल सामने आई तो कांग्रेस के नेता मीम अफजल इस खबर को मीडिया क्रिएशन बताने लगे। ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और हमारा मीडिया कुछ तो करेगा ही ना, तो मीडिया को भी बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए एक काम ये भी है कि कोई ना कोई इशू को गर्म किया जाए, उस पर बात की जाए। मुझे तो कम से कम ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। आपको लगता है कि ये जो खबरें चल रही हैं नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की इंडिया गठबंधन, ये मीडिया क्रिएशन है? देखिए, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई अंदर से कोई खबर नहीं आई, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या नीतीश के नाम पर विपक्षी गठबंधन में एकता नहीं बन पा रही? क्या कांग्रेस नेतृत्व नीतीश के नाम पर सहमत नहीं है? क्या नीतीश का पत्ता काटने के लिए ही ममता ने खड़गे का नाम आगे किया? क्या केजरीवाल की भी नीतीश के नाम पर सहमति नहीं है? ये वो कुछ सवाल हैं जिसकी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में हो रही है। फिलहाल एक तरफ नीतीश के नाम का सस्पेंस फिर से बढ़ गया, अब आपके मन में सवाल होगा कि नीतीश ने गठबंधन के लिए इतनी मेहनत की तो फिर उनके नाम पर आखिर दिक्कत क्यों है? इसकी एक प्रमुख वजह माना जा रहा है नीतीश कुमार की छवि को। राजनीति में नीतीश कुमार की छवि एक अविश्वासी नेता की बन चुकी है। वो कब पलट जाएंगे किसी को नहीं पता, नीतीश कुमार को कब कौन सी बात बुरी लग जाएगी कोई नहीं जानता,
और पिछले कुछ दिनों से तो नीतीश कुमार के लिए एक कानाफूसी भी चल रही है कि वो कभी भी एनडीए का भी दामन थाम सकते हैं, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से जो विपक्षी दल है वो नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं जता पा रहे।